देश में स्वास्थ्य मुसीबत पर काबू पाने के लिए भले ही केंद्र और राज्य सरकारें तमाम कोशिशों में जुटी हों, लेकिन पूर्णबंदी से जिन लोगों को परेशानी हुई है उन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। खासकर प्रवासी कामगारों का मुद्दा तो सियासत में छाया हुआ है। जी हां, अब कामगारों के साथ हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और कामगारों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर जमकर वाहवाही लूट रही है। कामगारों को घर पहुंचाने का दावा कर रही है, मगर फिर क्या कारण है कि श्रमिक अब भी पैदल जाने और बसों में सफर करने को मजबूर है। रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कामगारों की परेशानी सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा रही है। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक सरकारी बस ने पैदल अपने घरों की ओर जा रहे प्रवासी श्रमिकों को अपना शिकार बना लिया। इस घटना में 6 कामगार काल की गाल में समा गए, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया है। अखिलेश ने ट्वीट किया, पहले ट्रेन और अब बस घटना, कामगारों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों? वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती? इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं है कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शीर्ष अधिकारी को इस घटना की परिस्थितियों के बारे में जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही घटना के शिकार लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार कामगारों की मुश्किलों पर मुआवजे का मरहम लगाकर पल्ला झाड़ती रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।